الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون صدر محترم اسٹیج کے اوپر موجود علماء کرام محترم بزرگوں نوجوان بھائیوں پردہ نشین ماں اور بہنوں پیارے بچوں ایک سال بعد جب ہم اور آپ یہ امید کر رہے تھے کہ پچھلے سال کی طرح جب ہم نے تراویح کی نماز گھروں میں پڑھی تھی مسجدوں کے دروازے بند ہو گئے تھے عید الفطر کی نماز بھی ہمیں گھروں میں پڑھنی پڑی ہم نے یہ امید کی تھی کہ اب حالات نارمل ہو رہے ہیں اب ماحول صحیح ہو رہا ہے انشاءاللہ رمضان کی برکتیں اور اس کی رونق پھر سے لوٹے گی مگر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت دیکھیے کہ جیسے جیسے رمضان قریب آ رہا ہے کورونا کے کیسز پھر سے بڑھ رہے ہیں اور اس بار یہ وائرس پہلے سے زیادہ خطرناک حملہ کر رہا ہے ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو لگتا ہو کہ یہ کورونا ایک سازش ہے اور ایک ہوا کھڑا کر دیا گیا ہے مگر ایسا نہیں ہے میرے بھائی یہ بیماری ہے یہ الگ بات ہے کہ گورنمنٹ جو رپورٹس بتا رہی ہے کہ اتنے کیسز آ رہے ہیں اور اتنے لوگ مر رہے ہیں اس میں کچھ کمی بیشی ہو مگر بیماری تو ہے اور بیماری اتنی خطرناک ہے
कि आदमी को सांस लेने में तकलीफ होती है, हॉस्पिटल ले जाने के लिए उसके घर वाले उसको रेडी करते हैं, हॉस्पिटल ले जाने की तैयारी करते हैं, इससे पहले कि वो हॉस्पिटल जाए वो अल्लाह को प्यारा हो जाता है। एक हफ्ता पहले मेरे पास एक फोन आया, हमारे यूपी के अंदर एक जगह है गोंडा, गोंडा के वो रहने वाले एक साहब हैं, वो काम करते हैं बेंगलोर में किसी होटल में काम करते हैं। उन्होंने मुझे फोन किया, मौलाना आज सुबह फजर की नमाज के बाद मेरी वाइफ का, मेरी अहलिया का इंतकाल हो गया। हमल से थी वो, डिलीवरी का टाइम करीब था, अचानक सांस लेने में तकलीफ हुई। घर वाले जल्दी जल्दी हॉस्पिटल लेके जाने लगे, इसके पहले कि वो हॉस्पिटल पहुंचती उसका इंतकाल हो गया। वो आदमी मुझे बता रहा था, रो रहा था और मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे मेरे, और मेरे दिल से ये आवाज निकली कि अल्लाह ये खतरनाक वायरस क्यों है हमारे और आपके ऊपर, और ये खत्म क्यों नहीं हो रहा है। इस सवाल का जवाब जब हम कुरान करीम में तलाश करते हैं कि ये वायरस, ये अजाब, ये बीमारी, ये मुसीबत जिसकी वजह से न सिर्फ ये कि लोग मर रहे हैं बल्कि उसकी वजह से हुकूमतें जब लॉकडाउन लगाती हैं तो लाखों की तादाद में गरीब बेचारे भूख से मरते हैं, तड़पते हैं, अय अल्लाह ये अजाब क्यों है, तो अल्लाह तबारक व तआला इस सवाल का जवाब कुरान करीम में सूरह रूम के अंदर हमें और आपको देता है। ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعد الذي عملوا। मेरे बंदो, ये जो तुम्हारे ऊपर तकलीफें आ रही हैं, मुसीबतें आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं, जमीन के अंदर भी आ रही हैं, समंदर के अंदर भी आ रही हैं, खुश्की के अंदर भी आ रही हैं, तरी के अंदर भी आ रही हैं, ये परेशानियां, ये मुसीबतें, ये बीमारियां क्यों आ रही हैं। बीमा कसबत ऐदी नास, ये तुम्हारे करतूतों का नतीजा है, ये तुम्हारे पापों का नतीजा है, ये तुम्हारे गुनाहों का नतीजा है। मेरे प्यारे भाइयों, इतना खतरनाक वायरस आया, लेकिन जरा अपने दिल पर हाथ रख के बताओ कि हमारी हरकतों में कौन सी कमी आई, हमने कौन सा गुनाह करना छोड़ दिया, कौन सी बुराई हमारे समाज से खत्म हो गई, क्या शराबी कम हो गए, क्या जानी कम हो गए, क्या बदकार कम हो गए, क्या मस्जिदों में नमाजियों की तादाद बढ़ गई, क्या कुरान की तिलावत करने वालों की तादाद में इजाफा हो गया। नहीं नहीं, एक साल पहले जहां हम खड़े थे वहीं आज भी खड़े हैं, बल्कि उससे भी ज्यादा बुरे हालात से दो चार हैं। इतनी बड़ी तबाही शायद पूरी इंसानी तारीख में कभी ना देखी गई हो कि मस्जिदें बंद हो गईं, अल्लाह का घर खाने काबा बंद हो गया, और पहली बार शायद ऐसा हुआ हो कि अल्लाह का वो घर जहां 24 घंटे तवाफ होता है वहां तवाफ करने पर पाबंदी लगा दी गई। इतने मुश्किल हालात में देखने के बावजूद भी मेरे भाइयों, हम और आप सुधरे नहीं, हमारे अंदर कोई चेंजिंग नहीं आई, कोई परिवर्तन नहीं आया, कोई तब्दीली नहीं आई। अल्लाह फरमाता है लियुज़ीक़हुम बादल्लज़ी अमिलू, मेरे बंदो, हम तुम्हारे ऊपर ये अजाब इसलिए नाजिल करते हैं ताकि तुम्हारे करतूतों का, कुछ करतूतों का तुम्हें बदला दे दें, कुछ करतूतों की सजा दे दें, कुछ करतूतों का मजा चखा दें। सारे करतूतों की सजा हम नहीं देंगे, अगर सारे करतूतों की सजा हम दे देंगे तो मेरे बंदो, रूए जमीन पर एक इंसान भी सांस लेने वाला ना बचेगा, एक इंसान भी दुनिया में बाकी ना बचेगा। हम तो तुम्हारे कुछ गुनाहों की सजा तुमको देते हैं, लअल्लहुम यरजिऊन, ताकि तुम अल्लाह की तरफ रुजू कर लो। आज करोड़ों का पैसा खर्च करके हमारी गवर्नमेंट वैक्सीन तैयार करवा रही है, वैक्सीन लगाई जा रही है, बड़े बड़े फिल्म स्टारों ने भी वैक्सीन लगवाई, बड़े बड़े नेताओं ने भी वैक्सीन लगवाई, लेकिन वैक्सीन लगवाने के बावजूद आज कोरोना वायरस पाया जा रहा है, पॉजिटिव हो रहे हैं, वैक्सीन लगाने के बाद भी लोग मर रहे हैं। आपके बिहार के मौलाना वली रहमानी का इंतकाल हुआ, आज रिपोर्ट्स ये बता रही है कि वैक्सीन लगाने के बाद ही उनकी तबीयत खराब हुई। वैक्सीन लगाने से भी आदमी ठीक नहीं हो रहा है।
नहीं ठीक होगा मेरे भाई जब तक हम ठीक नहीं होंगे। अल्लाह ने फरमाया लअल्लहुम यरजिऊन, मेरे बंदर मंगलू। आगे रमजान का महीना आ रहा है, हमारे घर में जब कोई बड़ा मेहमान आता है हम मेहमान का स्वागत करते हैं, मेहमान के लिए अपने कमरे को सजाते हैं, बेहतरीन किस्म का दस्तरखान लगाते हैं, जिस प्लेट में हम खाना खाते हैं उससे अच्छी प्लेट, उससे अच्छा डिनर सेट हम निकालते हैं कि भाई बड़ा मेहमान आ रहा है, मुअज्जज मेहमान आ रहा है, दूर से आ रहा है। मेरे प्यारे भाइयों, रमजान का महीना भी एक मेहमान के तौर पे आ रहा है। ये मेहमान अल्लाह ताला ने बना करके हमारे बीच में भेजा है, ये एक महीने का मेहमान बन के आएगा, ये 30 दिन का या 29 दिन का मेहमान बन के आएगा, ये अल्लाह की रहमतें हम पर लुटाएगा। जब रमजान का महीना आता है अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं इज़ा काना अव्वलु लैलतिन मिन रमजान, जब रमजान की पहली रात आती है, जब रमजान की चांद रात होती है, जब रमजान का चांद तुम्हें आसमान पे नजर आता है, सुफ्तदति शयातीन, तो सारे के सारे शैतानों को अल्लाह ताला कैद कर देता है। वह गुल्लिकत अबवाबुन नार, और जहन्नम के सारे के सारे दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। वह फुद्दिहत अबवाबुल जन्ना, और जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए जाते हैं। वह युनादी मुनादिन, और आसमान में एक पुकारने वाला आकर के पुकारता है या बागियल खैरी अकबिल, ऐ नेकी करने वाले, ऐ नेकी का काम तलाश करने वाले, ऐ नमाज की पाबंदी करने वाले, ऐ कुरान पढ़ने वाले, ऐ सच बोलने वाले, ऐ अल्लाह को राजी करने वाले, आ जा, तेरा महीना आ गया, रमजान का महीना आ गया, बरकतों का महीना आ गया, नेकियों का मौसम आ गया। वह शर अक्सर, और पुकारने वाला पुकारता है ऐ शराब पीने वाले, ऐ जिना करने वाले, ऐ चोरी करने वाले, ऐ झूठ बोलने वाले, ऐ सूद और ब्याज खाने वाले, खबरदार तू पीछे हट जा, ये तेरा महीना नहीं है, ये तो अल्लाह को राजी करने वालों का महीना है, ये तो अल्लाह के सामने अपने गुनाहों से माफी मांगने का महीना है, ये तो अल्लाह के सामने रोने का महीना है। रमजान आ रहा है मेरे भाई, मेहमान आ रहा है अल्लाह का, इस मेहमान का स्वागत करो, इस मेहमान का वेलकम करो। किस चीज से? खिला करके पिला करके नहीं, रमजान का इस्तकबाल करो अल्लाह से सच्ची तौबा करके, अपने गुनाहों से माफी मांग करके, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा करके। मैं जब आपके पास आ रहा था रास्ते में, मुझे लोगों ने बताया मौलाना आप इस टॉपिक पर बोलिएगा, इस टॉपिक पर बोलिएगा, अब यहाँ आया तो नाज़िम इजलास साहब ने कुछ और टॉपिक दे दिया है। मैं कोशिश करूँगा कि उन सारी बातों को आपके सामने समेटने की कोशिश करूँ। कुरान करीम आप उठाइए मेरे भाइयों, कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने पिछली कौमों के वाकयात क्यों बयान किए हैं? नूह अलैहिस्सलाम का वाकया, लूत अलैहिस्सलाम का वाकया, हजरत हूद की कौम का वाकया, हजरत सालेह की कौम का वाकया, हजरत शुएब की कौम का वाकया, मूसा और फिरौन का वाकया, कारून का वाकया क्यों बयान किया अल्लाह ने? भाई कुरान कोई किस्सा कहानी की किताब तो नहीं है, कुरान अगर कोई वाकया बयान कर रहा है तो उसके पीछे भी एक मकसद है। अल्लाह ताला उन कौमों का वाकया बयान करके हमें और आपको मैसेज दे रहा है कि तुम इनके जैसे मत हो जाना, तुम्हारे अंदर वो खराबियां ना पैदा हो जाएं जो नूह अलैहिस्सलाम की कौम के अंदर थी, जो कौम आद के अंदर थी, जो कौम समूद के अंदर थी, जो कौम सालेह के अंदर थी, जो फिरौन के अंदर थी, जो कारून के अंदर थी। तुम अपने आप को इन बुराइयों से पाक कर लेना। अल्लाह तबारक व तआला उन वाकयात को बयान करके हमें और आपको खबरदार करता है। चुनांचे कुरान करीम उठाइए, अल्लाह के सबसे पहले रसूल हजरत नूह अलैहिस्सलाम का वाकया उठाइए। नूह अलैहिस्सलाम आदम अलैहिस्सलाम के बाद दुनिया में भेजे गए रसूल बना करके। नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम को 950 साल तक अल्लाह ताला के दीन की दावत देते रहे। नूह अलैहिस्सलाम की कौम मुशरिक थी, शिर्क करती थी, पत्थर के बुत बना करके उनकी पूजा करती थी, इबादत करती थी। नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम के पास आए, अपनी कौम को तौहीद समझाई, अपनी कौम को शिर्क से मना किया,
अपनी कौम को बताया तुम जो काम कर रहे हो गलत काम कर रहे हो। 950 साल तक हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम को समझाते रहे, तबलीग करते रहे, दावत देते रहे। 950 साल कोई छोटी मुद्दत नहीं होती मेरे भाई। 950 साल तक अल्लाह का पैगंबर लोगों को तौहीद की दावत देता रहा, लेकिन कुरान कहता है फमा आमना माहू इल्ला कलील। नूह अलैहिस्सलाम के ऊपर बस मुट्ठी भर लोग ईमान लाए, थोड़े से लोग ईमान लाए। पता ये चला, बात अगर कहने वाला सही बात कह रहा है तो सुनने वाले और उसकी बात मानने वाले अगर कम भी हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बात सही होनी चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं ना, अरे भाई ये अहले हदीस अगर हक पर है तो ये आटे में नमक के बराबर क्यों है। याद रखो, किसी की तादाद का कम होना ये उसके गलत होने की दलील नहीं, और किसी की तादाद का ज्यादा होना ये उसके सही होने की दलील नहीं। नूह अलैहिस्सलाम के ऊपर मुट्ठी भर लोग ईमान लाए। नूह अलैहिस्सलाम हर तरीके से उनको समझा रहे हैं, प्यार से भी समझा रहे हैं, डरा भी रहे हैं, ऐ मेरी कौम के लोगों तुम सुधर जाओ वरना अल्लाह का अजाब तुम्हारे ऊपर आएगा। मगर नूह अलैहिस्सलाम की कौम के लोग नहीं मान रहे हैं। आखिर में हजरत नूह अलैहिस्सलाम अब अल्लाह से दुआ करते हैं, रब्बी ला तज़र अलल अर्ज़ मिनल काफिरीन दियारा। ऐ अल्लाह, मैं 950 साल तक इनको तबलीग करता रहा, एक आदमी भी मेरे ऊपर ईमान नहीं लाया। ऐ अल्लाह तो इनको हलाक कर दे, इनको मिटा दे। ऐ अल्लाह रूए जमीन पर एक भी काफिर को तू न छोड़ना। ऐ अल्लाह एक भी मुशरिक को तू न छोड़ना, तो इन सबको हलाक कर दे, खत्म कर दे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम बद्दुआ कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम से कहा, एक काम करो, तुम एक कश्ती तैयार करो। नूह अलैहिस्सलाम कश्ती तैयार करने लगे। अब गांव के लोग, मोहल्ले के लोग आ रहे, देख रहे हैं नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बना रहे हैं। कौम के लोग मजाक उड़ा रहे हैं, भाई देखो इनको क्या हो गया है, ये कश्ती बना रहे हैं, दूर दूर तक पानी नजर नहीं आ रहा है, न कोई नदी है न कोई दरिया है, ये कश्ती क्यों बना रहे हैं। नूह अलैहिस्सलाम चुपचाप से अपना काम कर रहे हैं। जब कश्ती बनकर के तैयार हो गई, अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि ऐ नूह, आपके ऊपर जो लोग ईमान लाए हैं उन सारे लोगों को कश्ती में सवार कर लीजिए। नूह अलैहिस्सलाम ने अपने ऊपर ईमान लाने वाले सारे लोगों को कश्ती के ऊपर सवार कर लिया। नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने वालों में उनके तीन बेटे भी थे जिनका नाम साम, हाम और याफिस था। वो तीनों बेटे भी नूह अलैहिस्सलाम के साथ कश्ती पर सवार हो गए। सारे लोग जब कश्ती पर सवार हो गए, अभी जमीन में पानी नहीं है, अल्लाह के हुक्म से कश्ती चलने लगी। उधर अल्लाह ताला ने हुक्म दिया और बहुत बड़ा सैलाब आया, और नूह अलैहिस्सलाम के दौर में जितने लोग उस वक्त जमीन पर मौजूद थे, नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती पर छोड़ करके बाकी जितने लोग भी दुनिया में मौजूद थे, वो सारे के सारे लोग उस तूफान के अंदर हलाक हो गए। जब नूह अलैहिस्सलाम कश्ती पर अपने ईमान वाले साथियों को सवार करने लगे, तो उनका एक बेटा जिसका नाम कनान था वो कश्ती पर सवार नहीं हो रहा था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को अपने बेटे की चिंता हुई, बड़े प्यार से कहा, या बुनैयर कम माना, ऐ मेरे बच्चे तू भी आ जा, तू भी मेरी कश्ती में सवार हो जा। ऐ मेरे बच्चे इस कश्ती में आ जा, वरना तू हलाक हो जाएगा, तू बर्बाद हो जाएगा, तू डूब जाएगा, तू खत्म हो जाएगा, तू जल्दी से कश्ती में आ जा। बेटा जवाब देता है, सआवी इला जबली यासिमुनी मिनल मा। ऐ अब्बा जान, आप मेरी चिंता न करें, आप मेरी फिक्र न करें, मुझे आपके साथ कश्ती पे नहीं आना है। अगर तूफान आ भी गया, अगर पानी की मौजें आ गईं, तो ऐ अब्बा जान मैं किसी पहाड़ के ऊपर चढ़ जाऊंगा और कोई पानी मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, मैं डूब नहीं पाऊंगा, मैं मर नहीं पाऊंगा। एक सबक ये मिला कि उस मुश्किल घड़ी में भी हजरत नूह अलैहिस्सलाम को अपना बेटा याद था। हालांकि वो बेटा नाफरमान था, बाप के ऊपर ईमान नहीं लाया था, मगर नूह अलैहिस्सलाम को अपना बेटा याद था।
मेरे प्यारे भाइयों, हम तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं, हम पांचों टाइम की नमाज पढ़ते हैं, हमारे बच्चे नमाज नहीं पढ़ते, हम कभी अपने बच्चों को नमाज के लिए नहीं बोलते। मेरी प्यारी माओ, आप मसल्ला बिछा करके नमाज पढ़ती हैं, आपकी जवान बेटी मोबाइल पर चैटिंग कर रही है, आपको इस बात की फिक्र नहीं होती कि मैं अपनी बच्ची को नमाज के लिए बोल दूं। हाँ, अगर आपका बेटा या बेटी आग में जलने लगे, दुनिया की किसी तकलीफ में पड़ जाए, आप अपने बच्चा या बच्ची को बचाने के लिए अपनी जान को दांव पे लगा देंगे, लेकिन आपका बेटा और आपकी बेटी जहन्नम की आग की तरफ जा रहे हैं और आप अपने बच्चों को, अपने बेटा और बेटी को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। इसीलिए आप कुरान उठाइए, अल्लाह ने अपने पैगंबरों का जब जिक्र किया तो अल्लाह ने फरमाया कि मेरे पैगंबरों को अपने साथ साथ अपनी औलाद की भी फिक्र हुआ करती थी, अपने परिवार की भी फिक्र हुआ करती थी, वो अपने साथ साथ अपने बच्चों को भी जहन्नम की आग से बचाने की कोशिश करते थे, मरते दम तक अपनी औलाद के अकीदे की फिक्र करो, उनके ईमान की फिक्र करो, जन्नत की फिक्र करो, वो जहन्नम से कैसे बच जाए इसकी फिक्र करो। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को देखो, आखिरी टाइम है, इंतकाल होने वाला है, मौत का टाइम है। याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे, 12 बेटों को हजरत याकूब ने बुलाया। आज भी बाप अपने बेटों को बुलाता है, लेकिन बाप बुला करके अपनी प्रॉपर्टी के बारे में वसीयत करता है, अपने मकान और जायदाद के बारे में वसीयत करता है, अपने माल और दौलत के बारे में बता के जाता है। याकूब अलैहिस्सलाम अपने बच्चों को बुला करके क्या बता रहे हैं? कुरान कहता है, अम कुंतुम शुहदा इज़ हज़र याकूब अल मौत इज़ क़ाला लिबनीहि मा ताबुदूना मिन बादी। याकूब अलैहिस्सलाम अपने बच्चों को आखिरी टाइम में बुला करके सवाल करते हैं, ऐ मेरे बच्चों, ये बताओ कि मेरे मरने के बाद तुम किसकी इबादत करोगे? तुम अल्लाह ताला की इबादत करोगे या शिर्क करोगे? तुम तौहीद पर रहोगे या शिर्क पर रहोगे? बताओ तुम किसकी इबादत करोगे? सारे बच्चों ने कहा कि अब्बा जान, हम अल्लाह की इबादत करेंगे। अब्बा जान, हम आपके रब की इबादत करेंगे, अल्लाह की इबादत करेंगे। आप चिंता ना करें, आप फिक्र ना करें, हम तौहीद पर कायम रहेंगे और मरते दम तक तौहीद पर रहेंगे। औलाद की आखिरी सांस तक औलाद के अकीदे और ईमान की फिक्र होनी चाहिए मेरे भाइयों। यही नबियों ने हमें सिखाया है, यही पैगंबरों ने हमें सिखाया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपने बच्चे से कह रहे हैं, या बोनई यरकम माना है, बच्चे तू मेरी कश्ती में आ जा। बच्चा कहता है, अब्बा जान, मैं आपकी कश्ती पे नहीं आऊंगा, मैं किसी पहाड़ पे चढ़ जाऊंगा, मुझे अजाब नहीं पकड़ सकेगा, मुझे तूफान नहीं पकड़ सकेगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम दर्द के साथ कहते हैं, ला आसिम अल्यौम मिन अम्रिल्लाह, ऐ मेरे बेटे, ये अल्लाह का अजाब आने वाला है और अल्लाह के अजाब से तुझे दुनिया का कोई पहाड़ नहीं बचा पाएगा। कुरान कहता है कि अभी दोनों बाप बेटे की बातें चल ही रही थी, अभी बाप बेटे की बातचीत पूरी नहीं हुई थी, वहाल बैनहुम अलमौज फकाना मिनल मुग़रकीन, अचानक समंदर की, पानी की, तूफान की एक लहर आती है और हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे को लेकर के चली जाती है। उनका बेटा उनकी आंखों के सामने डूब जाता है, मर जाता है, खत्म हो जाता है। बेटा मर गया, इसकी तकलीफ है, बेटा मर गया, और उससे बढ़ के इस बात की तकलीफ है कि बेटा मेरे ऊपर ईमान नहीं लाया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, ऐ अल्लाह, तूने वादा किया था तू मेरे परिवार को बचाएगा, तू मेरे बच्चों को बचाएगा, मेरा बेटा तो मेरी आंखों के सामने डूब गया, ऐ अल्लाह, तेरा वादा तो झूठा नहीं होता है, तेरा वादा तो सच्चा होता है, ऐ अल्लाह, मेरा बेटा क्यों डूब गया, मेरे बेटे ने कौन सा ऐसा जुर्म किया था मेरा बेटा डूब गया? अल्लाह की तरफ से जवाब आया, या नूह इन्नहु लैसा मिन अहलिक इन्नहु अमलुन गैरु सालिह, ऐ नूह, वो तेरा बेटा तो था मगर वो तेरे परिवार में से नहीं था, वो तेरे अहल वयाल में से नहीं था, क्योंकि उसका अमल गड़बड़ था, उसके पास ईमान नहीं था। ईमान अगर है तो
ईमान अगर है तो सगा बेटा भी, अगर ईमान नहीं है तो सगा बेटा भी अपना बेटा नहीं है, और ईमान है तो पराया भी अपना है। मेरे भाई, ईमान का रिश्ता सबसे बड़ा रिश्ता है। अल्लाह ने कहा कि तेरा बेटा तेरे परिवार में से नहीं है ऐ नूह, क्योंकि वो गड़बड़ है, उसका अमल गड़बड़ था, उसका ईमान गड़बड़ था। नूह अलैहिस्सलाम की पूरी कौम डूब गई, तबाह हो गई। और आगे बढ़िए, कुरान एक नबी का वाकया बयान करता है, हजरत लूत अलैहिस्सलाम का वाकया। लूत अलैहिस्सलाम की कौम के लोग बहुत बड़े बदकार थे, और उनकी कौम ने दुनिया के अंदर सबसे पहले यह पाप किया था कि मर्द का मर्द के साथ ताल्लुक कायम होता था, वो औरतों के साथ अपनी जरूरत नहीं पूरी करते थे, मर्द मर्द के साथ अपनी जरूरत पूरी किया करता था। पूरी इंसानी तारीख में, पूरे मानव इतिहास में इस गुनाह को इंसानों ने कभी नहीं किया था, इसकी शुरुआत की थी लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने। और एक बात बताऊं, ये जुर्म इतना घिनौना है कि जानवर भी नहीं करता है, जानवरों में भी ये जुर्म नहीं पाया जाता है। ये इंसान इस कदर गिरा हुआ है कि ऐसी हरकत करता है कि जानवर भी उस हरकत से शर्माता है। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम ये गुनाह के का काम करती थी, और खुल्लम खुल्ला करती थी, रास्तों में करती थी। लूत अलैहिस्सलाम अपनी कौम के पास आए और अपनी कौम को समझाया, वलूतन इज काल लिकौमिही अतातून अलफाहिशता मा सबककुम बिहा अहदुम मिनल आलमीन। ऐ मेरी कौम के लोगों, तुम इतना गंदा काम क्यों करते हो जो तुमसे पहले पूरी कायनात में किसी ने नहीं किया है? तुम इतना गंदा काम, इतना घिनौना काम क्यों करते हो? लूत अलैहिस्सलाम की कौम के लोगों ने आपस में कहा, इनको निकाल दो, ये बड़े पाक साफ लोग हैं, ये लूत अलैहिस्सलाम बड़े पाक साफ लोग हैं, इनको इस बस्ती से निकाल दो, ये हमारे साथ रहने के लायक नहीं है। अल्लाह तबारक व ताला ने कुछ फरिश्तों को लूत अलैहिस्सलाम के घर पे भेजा, जो खूबसूरत मर्दों की शक्ल में, इंसानों की शक्ल में फरिश्ते हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर पे पहुंचे। जब वो फरिश्ते हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर पर और लूत अलैहिस्सलाम के सामने उन्होंने ऐसा जाहिर किया कि वो मेहमान बन के आए, उधर हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम के लोगों को पता चला कि लूत अलैहिस्सलाम के घर में कुछ खूबसूरत लड़के आए हैं, कुछ खूबसूरत नौजवान आए हैं। कौम के लोग जल्दी जल्दी दौड़े दौड़े आए, क्योंकि दिमाग के अंदर तो शैतान भरा था, खूबसूरत लड़कों को देखकर उनके जहन में शैतानी ख्याल आने लगा, गुनाह का ख्याल आने लगा, गलत चीजों का ख्याल आने लगा। जैसे ही हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर पर वो मेहमान पहुंचे, पीछे से कौम के लोग पहुंचे, हजरत लूत समझ गए, कहने लगे, या कौम ला तुखजूनी फी ज़ईफी, ऐ मेरी कौम के लोगों, ये मेरे मेहमान हैं, मेरे मेहमानों के सामने मुझे रुसवा न करो, मेरे मेहमानों के साथ कोई बदतमीजी न करो, मेरे मेहमानों के साथ कोई गलत सलूक न करो, मुझे रुसवा न करो, मुझे जलील न करो। लूत अलैहिस्सलाम की कौम के लोगों ने कहा, हटो, पीछे हटो, हमें हमारा काम करने दो। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने फिर बड़े दर्द के साथ कहा कि ऐ मेरी कौम के लोगों, अल्लाह तबारक व ताला ने तुम्हारे लिए औरतों को बनाया है, जिनके साथ तुम्हारी शादियां होती हैं वो औरतें तुम्हारे लिए बनाई गई हैं, तुम क्यों ऐसी हरकत कर रहे हो, तुम इन मेहमानों के साथ तुम गलत काम क्यों करना चाहते हो? फिर हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने बड़ी बेचारगी के साथ कहा कि काश मेरे पास कोई ताकत होती, कोई सहारा होता, तो मैं आज तुमसे मुकाबला करके तुमको यहां से हटा देता, लेकिन मेरे पास कोई सहारा भी नहीं है, कोई ताकत भी नहीं है, और पूरे कबीले में, पूरे कौम के अंदर कोई ऐसा नहीं है जो मेरा सपोर्ट कर सके। अलैस मिनकुम रजुलुर रशीद, ऐ मेरी कौम के लोगों, क्या एक आदमी भी तुम्हारे अंदर समझदार नहीं है? क्या एक आदमी भी ऐसा नहीं है जिसके पास दिमाग हो? हजरते
लूत अलैहिस्सलाम परेशान थे, टेंशन में थे कि मैं क्या करूं। तब से उन फरिश्तों ने कहा कि आप घबराइए मत, इन्ना रुसुल रब्बिक, हम आपके रब की तरफ से फरिश्ते हैं और हम अजाब लेकर के आए हैं, आप अपने घर वालों को लेकर के निकल जाइए, रातों रात अपने परिवार को लेकर के निकल जाइए, इनके ऊपर अल्लाह का अजाब आने वाला है। हजरत लूत अलैहिस्सलाम रात की तारीकी में, रात के सन्नाटे में अपने बच्चों को लेकर के, अपने परिवार को लेकर के जाने लगे। जब हजरत लूत अलैहिस्सलाम अपने परिवार को लेकर के जाने लगे, उनकी एक बीवी जो उनके ऊपर ईमान नहीं लाई थी, उस बीवी के बारे में अल्लाह की तरफ से ऑर्डर आया कि ऐ लूत अलैहिस्सलाम आप अपनी उस बीवी को अपने साथ मत लेकर के जाइए, जब अल्लाह का अजाब आएगा तो उस औरत के ऊपर भी आएगा। मेरी प्यारी माओ बहनों, बड़े गौर से सुनना, लूत अलैहिस्सलाम अल्लाह के इतने बड़े रसूल हैं, लेकिन उनकी बीवी उनके ऊपर ईमान नहीं लाई, और जब अल्लाह का अजाब आया तो उनकी बीवी के ऊपर भी अल्लाह का अजाब आया। पता ये चला कि अल्लाह ताला अगर हिदायत न दे, अगर अल्लाह ताला हिदायत न दे तो एक नबी की घरवाली, एक नबी की बीवी भी नबी के ऊपर ईमान नहीं लाती है, और जब अल्लाह ताला हिदायत दे देता है तो फिरौन जैसे जालिम की बीवी भी ईमान ले आती है। फिरौन की बीवी जन्नत में जाएगी और लूत अलैहिस्सलाम की बीवी जहन्नम में जाएगी। एक नबी की बीवी जहन्नम में जा रही है और एक बहुत बड़े जालिम की बीवी जन्नत में जा रही है। इससे यह पता चला कि ईमान वाली औरत यह नहीं देखती है माहौल कैसा है, ईमान वाली औरत यह देखती है मेरा रब क्या कहता है, मेरी शरीयत क्या कहती है, मेरा दीन क्या कहता है। हम कहते हैं जमाना बड़ा खराब है, माहौल बड़ा खराब है, बड़ी बेपर्दगी हो रही है, बड़ा फैशन निकला हुआ है। कहता हूं अगर एक ईमान वाली औरत ये ठान ले, जितना भी फैशन आ जाए, जितनी भी बेहयाई आ जाए, मुझे अपनी हया को नहीं छोड़ना है, मुझे अपनी शर्म को नहीं छोड़ना है, मुझे पर्दे को नहीं छोड़ना है, मुझे ईमान वाली हया वाली औरत बन के रहना है, एक ईमान वाली औरत अगर ये ठान ले तो मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी माओ बहनों, दुनिया की कोई ताकत उस लड़की से गलत काम नहीं करवा सकती। आज अमरीका और फ्रांस के अंदर बहुत सारी मुस्लिम औरतें हैं जो नकाब पहन करके चलती हैं, जहां लड़कियां और औरतें पूरे बदन को नंगा करके चलती हैं, वहां भी मुसलमान औरतें, मुसलमान लड़कियां नकाब में निकलती हैं। और आपने शायद सुना होगा साउथ अफ्रीका का एक क्रिकेटर है हाशिम अमला, ये साउथ अफ्रीका का एक बहुत अच्छा क्रिकेटर है, उसकी बीवी नकाब में हमेशा रहती है, और कई मुल्कों में ऐसा हुआ कि जब वो नकाब पहन करके गई तो उसके ऊपर पेनाल्टी लगाई गई, उसको जुर्माना देना पड़ा, मगर अल्लाह की उस बंदी ने जुर्माना दिया मगर अपने नकाब को नहीं छोड़ा, अपने पर्दे को नहीं छोड़ा, अपनी शर्म को नहीं छोड़ा, अपनी हया को नहीं छोड़ा। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी माओ और बहनों, आप देखें लूत अलैहिस्सलाम की बीवी एक नबी के घर में रह करके ईमान नहीं ला पाई, और फिरौन जैसे जालिम की बीवी फिरौन के महल में रह करके ईमान ले आई। तो माहौल से बढ़ करके ये होता है कि हमारी और आपके दिल में अल्लाह का डर कितना है, अल्लाह का खौफ कितना है। लूत अलैहिस्सलाम निकल रहे हैं अपनी कौम को लेकर के, अब अल्लाह का अजाब आ रहा है। कौन सा अजाब आया? फलम्मा जा अम्रुना जालना आलिहा साफिलहा व अमतरना अलैहा हिजारतम मिन सिज्जीलिम मंजूद। जब हमारा अजाब आया, हमने लूत अलैहिस्सलाम की बस्ती को उलट पलट दिया, उनकी पूरी बस्ती को उलट दिया अल्लाह तबारक व तआला ने, और आसमान से पत्थरों की बारिश की गई, और पत्थर भी ऐसे छोटे छोटे पत्थर थे, और पत्थरों पे बाकायदा नाम लिखा रहता था, ये फलां के ऊपर गिरेगा, ये फलां के ऊपर गिरेगा, पत्थर के ऊपर नाम लिखा रहता था, और जिसकी खोपड़ी पर गिरता था उसका पूरा कलेजा, उसका पूरा दिमाग फट जाता था, और पूरा जिस्म उसका फट जाता था, और वहीं पर वो मर जाता था। इतना खतरनाक अजाब हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बस्ती पर आया। क्यों? क्योंकि वो बस्ती बेहया थी, बेशरम थी, बदकार थी, और मर्द मर्द के साथ गलत काम करता था। आज भी अगर सोसाइटी में ये काम हो रहा है और होगा, तो याद रखो अल्लाह ने ये वाकया बयान करके कुरान में हमें और आपको मैसेज दे दिया कि आज भी अगर तुम ये गलत काम करोगे तो हमारा अजाब वैसे ही आ सकता है, कभी कोरोना वायरस की शक्ल में आएगा और कभी आसमान से पत्थरों की बारिश की शक्ल में आएगा। और आगे बढ़िए,
एक बहुत बड़ी ताकतवर कौम थी। इस कौम का नाम था कौम आद। इतनी ताकतवर कौम थी ये, इतनी लंबी चौड़ी ये कौम थी कि जब ये अपने मकान बनवाते थे तो बहुत ऊंचे ऊंचे पिलर बनवाते थे। अल्लाह ने कुरान में इनका इंट्रोडक्शन कराते हुए फरमाया, अलम तरा कैफा फअला रब्बुका बिआद इरम ज़ातिल इमाद, क्या तुमने नहीं देखा कि आपके रब ने कौम आद के साथ क्या किया, जो बड़े बड़े खंभे बना करके अपने मकान बनाते थे। तो कौम आद को अल्लाह ताला ने बहुत लंबा चौड़ा बनाया था, बड़ा ताकतवर बनाया था। और ये कहा करते थे, मन नशद मिन्ना कुवा, हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है, हमसे ज्यादा पावरफुल कौन है, हमसे ज्यादा पावरफुल कोई नहीं, हमसे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं। अवलम यरौ अन्नल्लाहल्लज़ी खलक़हुम हुवा अशद्दु मिन्हुम कुव्वा, ऐ कौम आद, जिस अल्लाह ने तुमको बनाया है, जिस अल्लाह ने तुमको इतना ताकतवर बनाया है, क्या वो अल्लाह तबारक व तआला तुमसे ज्यादा ताकत वाला नहीं है? वो अल्लाह तो जब चाहे तुम्हें जमीन में मिला दे, तुम्हें मिट्टी में मिला दे, खत्म कर दे, क्या तुम अल्लाह से भी ज्यादा अपने आप को पावरफुल समझने लगते हो?